सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आज आपको दे रहा हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जॉब्स बहुत निकल रही हैं। आप जानते हैं वहां पर रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। इवन फोर्थ क्लास अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी आपके लिए जॉब है। हाँ, इसके बाद अगर आप 8th पास है, 10th पास है, 12th पास है तो भी आपके लिए जॉब्स है। यहां पर अगर आप 18 साल या उससे ऊपर है तो आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है। जो अदर फैसिलिटीज है ओबीसी हैंडीकैप लोगों के लिए, वो इवन 10 साल तक के लिए आगे तक है हैंडीकैप लोगों के लिए। पर अब बात आती है कि ये जो इंटरव्यू आज मैं ले रहा हूं, ये एक मॉक सेशन है दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए। हमने अपने दो चैनल्स पर, पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड नाम के चैनल पर, आपके लिए बहुत से वीडियोस दे रखे हैं। होप आप हमारे चैनल से बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। सो वेलकम मुक्ता, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक्स सर। मुक्ता, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या है? श्योर सर। सर, जो बच्चे होते हैं, महिलाओं को जो भूख और जो कुपोषण के शिकार होते हैं, उनको बाल विकास का जो प्रोवाइड है, उनकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1975 में हुई थी। और सर, जो ग्रामीण जो माँ हैं उनकी देखरेख किस टाइप से की जाती है, बच्चों को किस टाइप से संभाला जाता है, ये सब इसमें बताया जाता है। तो सर, आंगनवाड़ी में जो महिलाओं का ये वर्क होता है, जो आंगनवाड़ी में आशा वर्कर, कार्यकर्ता, ये सभी जो महिलाएं होती है, ये जो परिवार में जाके सर्वे करती है और जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करती है, उनका जो कार्य होता है वो किस टाइप से करना चाहिए, उन्हें हर तरीके से जागरूक करती है। और सर, जो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड भी करवाते हैं। न्यूट्रिशंस, यस। एंड जो हेल्थ से रिलेटेड उनको एजुकेशन प्राप्त करवाना, और जो कार्ड्स होते हैं बच्चों के जन्म से लेके जो, उनको प्रोवाइड करवाना, और उनका वेट होता है उनको रजिस्टर में हर मंथ नोट कर, यस सर, जॉट कर, यस सर। और जो महिलाएं होती हैं उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में नॉलेज देना, और ग्राम सेवक के बारे में उन्हें क्या करना चाहिए, ANM कोर्स के बारे में उन्हें भी बताया जाता है। और जो महिला मंडल है, ग्राम सेवक है जो सर, उनको और स्कूल्स के जो टीचर्स है उनको साथ लेके चलना, उनको भी जागरूक करना कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको जो सहमत होना चाहिए उनमें, उनके कार्य के अकॉर्डिंग उन्हें चलना चाहिए। इट आई बिलीव रियली रियली बहुत अच्छा बताया है आपने, और मैं ये कहूंगा लगभग इन्होंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। देखिए दोस्तों, कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके इंटरव्यू में, यही क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। कुछ आपका इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे, वो आपके परिवार के बारे में पूछ लेंगे, जो प्रोफाइल पूछ लेंगे। देखिए, अगर इंटरव्यू दे रहे हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे अच्छे से वर्क करिए, और मुझे लगता है मुक्ता जैसा कॉन्फिडेंस रखिए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मुक्ता, आपने लगभग सारे पॉइंट्स कवर किए और अच्छा बताया कि ANM से भी अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, और जितने भी महिला मंडल जो चल रहे हैं, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन लोगों से पार्टिसिपेट करवाना सबसे बड़ी बात आपने बताई। और मंथली आपने बताया कि वेट रिकॉर्ड करना, न्यूट्रिशंस का नॉलेज देना, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, अब मैं आपसे एक बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं नेक्स्ट, कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर में आपके हिसाब से? क्या क्या क्वालिटीज उनको मालूम होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्वालिटीज? सर, उन्हें उनमें जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सबसे पहले कि स्वास्थ्य संबंधी उन्हें जानकारी होनी चाहिए, और जो महिलाएं होती है उनकी देखरेख किस टाइप करनी चाहिए, जब वो प्रेगनेंसी टाइप में होती है तो उनकी अच्छे से देखरेख करनी चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, वो सारी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। जो नवजात शिशु होते हैं उनको क्या खिलाना चाहिए, जन्म से लेके 6 मंथ तक जो उनकी केयर है वो किस अकॉर्डिंग करनी चाहिए, उन्हें अपने टाइम के अकॉर्डिंग पाबंद होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और उन्हें खुद को भी एक फिट होना चाहिए, ताकि वो अगर जब तक वो फिट नहीं होगी सर तो वो महिलाओं को भी नॉलेज अच्छी नहीं दे सकती। तो इसलिए जो भी शिशु है नवजात उनकी केयर अच्छे से की जाए। बहुत बढ़िया आपने बताया कि ये क्वालिटीज तो उनमें होनी ही चाहिए। बहुत अच्छा मिलनसार, बिल्कुल आपने अच्छे वर्ड्स यूज किए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या पहले? यस सर, जो नवजात शिशु होते हैं मुझे उनका काफी एक्सपीरियंस है, उनकी देखरेख करना, उनको क्या खिलाना चाहिए, उन्हें किस टाइम नहलाना चाहिए,
उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए, इस ओके टाइप की सर जो जानकारी है मुझे अच्छे से, क्योंकि मुझे सर बच्चों से काफ़ी प्यार है तो मैं उनकी देखरेख बहुत अच्छे से करती हूँ। वेरी गुड। आपने थैंक बताया आपकी जो ऑन्ट है यू। वो भी मिड एक वाइफ। मिड वाइफ है वो भी, ओके, तो तो मैंने आपको उनसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, उनके साथ रह रह के वेरी मुझे गुड, काफ़ी नॉलेज मिली बहुत है। बढ़िया आपने बताया। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आप क्यों आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, व्हाट इज द रीजन? यस सर, सर जो आजकल हमारे देश में जो कुपोषण है वो शिकार उसका शिकार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर साल सर एक महिला और बच्चे दम तोड़ रहे हैं। जैसे कि एक साइड हमारे देश में सर बुलेट ट्रेन बिल्कुल, चल रहा है, इतना उसका प्रोग्रेस कर रहा है यस सर देश। प्रोग्रेस कर रहा है, और एक साइड सर ये रूढ़िवादिता भी चल बिल्कुल रही है। तो राइट, सर जैसे कि महिलाओं को पर्दों के पीछे रखा जाता है, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करवाई जाती, और उन्हें जल्द ही उनको अर्ली शादी मैरिज, बिल्कुल शादी बिल्कुल मैरिज हो राइट जाती है राइट उनकी, राइट, और कन्या भ्रूण हत्या भी सर ये बिल्कुल भी सबसे बड़ा काफ़ी चल पाप, रहा सबसे है। बड़ा हत्या, बिल्कुल यस सही सर, बात है। तो इतनी बुराई का सामना भी हमारा समाज कर रहा है, जब इतनी प्रोग्रेस कर रहा है मगर बुराई को नहीं छोड़ रहा है, ये यस बहुत सर, गलत बात है। बिल्कुल आपके जो विचार है वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यस मुझे सर। ये बताइए कि आप किससे प्रेरित हुए, यानी कि आपके खुद के आइडियल कौन है? सर वैसे तो मेरे आइडियल मेरी फैमिली भी है, बट ओके सर मैं कुछ नेम बताना चाहूँगी जो मेरे को मोटिवेट करते हैं, जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो ओके सर एक तो सानिया मिर्ज़ा है ओके, एंड कल्पना चावला। वेरी गुड। यस तो सर, आप इतने अच्छे प्लेयर्स के यस सर, साथ को देख देख कर मोटिवेट हाँ हुए, जी मैं काफ़ी मोटिवेट होती वेरी हूँ गुड। उनसे। चलिए मुझे ये बताइए कि अगर आपको हम जॉब पे रख लेते हैं यस सर, तो आप क्या करेंगे, आप क्या ऐसा स्पेशल करेंगे जिसकी वजह से रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आए, आपको यस क्या सर, लगता है? सर मैं जो गवर्नमेंट है उनके रूल्स फॉलो करूंगी, वेरी गुड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए वही होते हैं कि हम यस उन्हें फॉलो करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल प्रोग्रेस बिल्कुल, करेंगे। और सर जो महिलाओं का संगठन है, ग्रुप है बना हुआ, उनके साथ मैं रिलेशन बनाऊंगी, उन्हें ओके जागरूक करने के लिए मैं एक प्रोग्राम भी रखूंगी, बहुत और जो बढ़िया, सर एनम जेएनएम होते हैं उनको जो मेडिकल नॉलेज होते हैं वो काफ़ी बेस्ट होती है, तो बिल्कुल हम उससे भी जागरूक होते हैं। जो ओके हमारी जो पंचायत समिति है उनको हमें समय पे उनके जो रूल्स हैं और उनको अच्छा रिजल्ट भी दूंगी, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगे। ओके, मींस पंचायत समिति को भी आप पूरा रिकॉर्ड देंगे बच्चे के यस सर, बर्थ का, जन्म का, यस और सर, जिस तरीके से आपने बोला है कि मैं फॉलो अप रखूंगी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के यस अंदर यस ये सारा काम करूंगी, यस सर, ये बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि कोरोना वॉरियर्स हमारे जितने भी इस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो काम किया था, जबरदस्त दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि मेरे बहुत नोन है दोस्तों जो आंगनवाड़ी के अंदर वर्क कर रहे हैं, और रियल में उन्होंने जो कोरोना के अंदर जो कार्य किया है, दैट इज रियली कमांडेबल। यहां पर अगर कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये वीडियो सुन रहा है, सच्ची में हम आपको सैल्यूट करते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि मान यस लीजिए सर, कल आपको आपके सीनियर हैं, आपकी यस बन सर, नहीं रही उनके साथ, तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को बना के रखनी चाहिए, क्योंकि सर वो मेरे सीनियर है तो मुझे उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ रहने में, जितना भी वो मेरे को वक्त देंगे मैं अच्छा, मान इजीली हैंडल लीजिए करूँगी। आपके सीनियर आपको ज्यादा काम देते हैं, प्रेशर देते हैं काम का, तो आप क्या करेंगे? नो वरी सर, क्योंकि मेरे को प्रेशर अच्छा लगता है, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, और जितना प्रेशर मेरे ऊपर वो देंगे और मेरा जो वर्क है वो मैं उसे इजीली हैंडल करूँगी, जितना ज़्यादा मैं हैंडल करूँगी तो मैं सर आगे प्रोग्रेस भी करूँगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वैसे तो देखिए ग्रुप में ही काम करेंगे, अकेले भी काम करेंगे, तो आपको ज्यादा क्या पसंद है, आप अकेले काम करना पसंद करती हैं या टीम में? सर वैसे तो मैं अलोन हूँ, क्योंकि मैं अकेले वर्क कर लूँगी इजीली, बट ज़रूरत पर जो मेरा मानना है कि मैं जो टीम के साथ वर्क करूँ उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट होगा, क्योंकि सर इजीली है कि हम अकेले वर्क कर लेते हैं बट हमारा जो रिज़ल्ट है वो टीम के साथ ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ्स है ऑनेस्ट पंक्चुअल एंड आई एम हार्ड वर्कर। वेरी गुड। और आप यस में कोई कमजोरी है, कोई वीकनेस है आपकी? सर, एक्चुअली मेरी जो हैड राइटिंग है उसे इम्प्रूव करना है, वो छोटी वीकनेस एंड है। यस सर, और जो है मैं बातें काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, और सर जो ये ओके, आंगनवाड़ी कार्य में तो सबसे ज़्यादा यही है कि बातें करना होता है, क्योंकि अच्छी बात महिलाओं है, को प्रोग्रेस करते हैं, उन्हें बिल्कुल। जागरूक करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा बातें तो करनी मुझे लगता है चाहिए। आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लोगी, यस सर, वेरी गुड। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है?
सर मेरी हॉबीज़ है जो नवजात शिशु हैं उनकी देखरेख करना, उनकी केयर करना। वेरी गुड। यस सर। अच्छा एक बात बताइए कि ये आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी केसेस ऐसे हैं जो ओड आवर्स में भी आपको जाना पड़ सकता है, यस सर। क्योंकि देखिए बच्चे का जन्म कभी भी किसी भी समय कहाँ पर होता यस है, सर। तो आप कंफर्टेबल है क्या इस तरीके की जॉब करने के लिए? यस सर मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि सर ओके मुझे मेरे लिए टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जो नवजात शिशु है जो प्रेग्नेंट महिला है वो इम्पोर्टेंट है, वेरी ताकि गुड। जो उन वो प्रेग्नेंट हैं उनकी जान बचाना सर मेरे हाथ में है क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मेरा ओके जाना जाना बनता है सर। मेरे को कोई भी टाइम अगर वो बुलाएंगे तो सर मैं जाऊँगी। वेरी गुड। यस सर। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप आगे क्यों नहीं पढ़े? आप तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, तो आपने 12वीं तक की स्टडी क्यों करी, आगे आपने क्यों नहीं पढ़ाई करी? क्योंकि सर सबसे पहले जो मेरी फैमिली है मैं उनको मोटिवेट करूंगी, प्रेरित करूंगी सर कि जो ये महिला वर्ग है इसकी नॉलेज हमें ओके काफ़ी मान होनी लीजिए वो चाहिए। आप प्रेरित कर रहे हैं, तो इस जॉब के द्वारा आप क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारे देश में महिलाएं हैं उनके उनकी केयर करूँ मैं इस क्योंकि ओके ये जो सर मेरे को केयर वाला ये जो सिस्टम्स है ये मुझे आंगनवाड़ी कार्य में ही मिला है, अच्छा तो मैं मान काफ़ी लीजिए आप जागरूक जानते हैं कि हूँ। हमारे देश में बेरोजगारी तो बहुत है, और यस यहाँ सर। पर कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी वर्कर्स हैं जिनकी हमारे पास अप्रोच भी आई है, यस सर। तो हमें जो अप्रोच आई है वो ये बोल रही है कि आप इनको सेलेक्ट कीजिए, तो हम आपको ही क्यों करें, इसका कोई वैलिड रीजन आप हमें दे सकते हैं? श्योर सर। फर्स्ट बताइए। ऑफ ऑल थैंक्स सर, क्योंकि सर मेरा मानना है कि जो बाहर खड़े हुए कैंडिडेट्स हैं मैं उनके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकती खुद का, क्योंकि वो मेरे से बेस्ट भी हो सकते हैं या मेरे राइट से बेस्ट ना भी हो, ओके बट मैं सर खुद का बताना चाहूँगी कि मैं एक हार्ड वर्कर गर्ल हूँ, मैं ओके इजीली हर माहौल में एडजस्ट हो जाती हूँ और मैं जितना भी हार्ड वर्क है वो करूँगी और सर मैं आगे और भी ट्राई करूँगी कि मैं बेस्ट रिजल्ट दे सकूँ। वेरी गुड, बहुत यस सर। बढ़िया। आपने ऑलमोस्ट मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चंस कवर किए आपने लगभग सारे दिए। अच्छा आप थैंक जानते यू हैं कि सर। इस समय हमारा देश कोरोना से बाहर आ रहा है, यस तो जब सर। आपको जॉब मिलेगी तो हो सकता है कुछ ऐसे एपिडेमिक एरिया हो जहां पर आपको भेजा जाए या जहां पर आपको जॉब करनी पड़े, तो यस आप इस सर। चीज़ से डरते तो नहीं? नो सर। सर मुझे स्टार्टिंग से कोरोना से डर नहीं लगता, ओके क्योंकि सर मैं ये चाहती हूँ कि डरना क्या है, जो बीमारी है सर उसका सामना करेंगे तो अच्छा होगा, उससे ओके डरना नहीं मगर आप लोगों को चाहिए। प्रेरित तो करेंगे कि यस आप सर। मास्क पहनिए, प्रिकॉशंस सर रखिए, उन्हें हैंड हाँ जी सैनिटाइज कीजिए। गवर्नमेंट्स जो रूल्स हैं वो मैं फॉलो करवाऊंगी वेरी कि गुड हमें क्या क्या करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और ओके अदर्स जो सिटीज़ में जाना सोशल डिस्टेंसिंग का जो उसे फॉलो करें रूल्स बहुत को। बढ़िया। दोस्तों यस आज जो हमारा जो वीडियो सेशन है, वैसे तो हमने आपको आंगनवाड़ी के कई वीडियोस दे रखे हैं, होप आपको लास्ट में हम लिंक भी देंगे, मगर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जॉब्स निकली हुई है दोस्तों, जल्दी से आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप फोर्थ, मैंने बताया अगर आपने फोर्थ क्लास भी पास की है और उसके बाद तो 8th 10th 12th अगर आपने कर रखी है, वेल एंड गुड है, आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है। आप फॉर्म भरिए, आपका हार्डली रिटन एग्जाम और छोटा सा इंटरव्यू, और उसके बाद आप जॉब लग जाएंगे। एक अच्छी जॉब के लिए आपको मैं प्रेरित कर रहा हूं, और ये जो मॉक सेशन था शायद आपके लिए बेनिफिट रहे। थैंक यू वेरी मच मुख्तार, रियली प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, थैंक्स बहुत सर। बढ़िया।